अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू उमर चौधरी व्लॉग्स विद उमर चौधरी। आज दो दिन छुट्टी मारनी है मैंने ऑफिस से। आज जा रहा हूँ इस्लामाबाद। ओके, तो बस अभी बेबो रेडी है और ब्रेकफास्ट करना है। ब्रेकफास्ट करके तो फिर हम निकलेंगे, भाई है साथ और सिस्टर हैं, तो दिखाएंगे रास्ते में कहाँ कहाँ से होके जाते हैं आज। A few inches later. जान, वी आर फुली रेडी टू डिपार्ट टू इस्लामाबाद। अभी बस निकल रहे हैं। हरी पैकिंग शेकिंग हो गई है, सामान शमान आ गया है, ये पीछे हमने भर ली है और बस निकल रहे हैं। रास्ते में जहाँ जहाँ भी स्टॉप लेंगे आपको दिखाएंगे, और रास्ते में भी आपको दिखाएंगे हम कहाँ से जा रहे हैं। जाना हम 5 से है और ये आ गई हैं, ये भाई साहब भी आ गए हैं, तो बस निकल रहे हैं। अभी खुलवा रहे हैं, अभी टैंक फुल करवा रहा हूँ, तो बस फिर निकलेंगे। ये PSO पे खड़े हैं हम अपने से। ठीक है, हवा भरवाई जा रही है। अब गाड़ी फुल टाइम फिट होगी तो फिर ही निकलेगी यहाँ से। ये हमारा DC ऑफिस चौक है। 5 minutes later. बादाम वाली बर्फी लेके लेने आया अभी हम कैफे सुजावल से। रश चेक करो। One hour later. हाँ जी भाईजान, हम पहुंच गए हैं रीमजर खान की एग्जिट पॉइंट पे। ये बस अब हम जा रहे हैं मोटरवे की तरफ, और खुदा हाफिज़ रीमजर खान। ये लोग अभी मोटरवे पे पहुंच गए हैं। ये आ गया हमारा रीमजर खान टूल प्लाजा, और बस ये जा रही है मोटरवे, और हम निकलेंगे अभी मुल्तान वाली साइड पे। और ड्राइवर चेंज हो गया है, मैं चला रहा था पहले, अब भाई लोग चला रहे हैं। ये पानी शानी पी रहा है, और बस अब हम निकलेंगे यहाँ से। ये रहा हमारा रीमजर खान टूल प्लाजा, द जर्नी बिगिंस। ये बंदा अभी वो इधर खड़ा था, ये इस जगह पे, यहाँ से रिवर्स लेके आया गाड़ी वापस। अब ये उतर रहा है, तनी किस लिए। चलो सानूगी, आप जा रहे हैं। टाटा बाय बाय। 2 hours later. अभी हम पहुँचे हैं उच शरीफ सर्विस एरिया गो मार्ट पे। वॉशरूम वगैरह से हो लिया है। अभी बस मैं सोच रहा था अपने लिए गम शम ले लूँ, बस उठाने आया। क्या हो गया है गाड़ी को? ओह मच्छर ही मच्छर। बस अभी चल रहे हैं, कुछ चीज खाने के लिए लेते हैं, फिर निकलेंगे मुल्तान के लिए। अभी मैंने ये वाली उठाई है, ये वाली पट्टियां जाकर गाड़ियां पड़ी हैं। भाई किसने कौन सी लेनी है मुझे बता दे, जखरब पे भी। और अभी तो ये देखिए बटरफ्लाइज कितनी प्यारी लग रही हैं। पीने के लिए हमारे पास पानी है, उसके अलावा हमें कुछ अलाउ ही नहीं है। हमारी डॉक्टर साहबा ने कुछ अलाउ नहीं किया, वो कहती हैं नो नथिंग। ये क्या चीज है, ये लगता है शीशे हैं जो वो होते हैं ना सुर्खी सुर्खी पाउडर मारने के लिए। ओह माय गॉड, ये देखें डॉल कितनी प्यारी लग रही है। निम्को 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 दे, ये वो निम्को लेट चिल्लस अलग है तो। भैया इसमें कोई दूसरा फ्लेवर नहीं है? एक्सक्यूज मी, सुनेगा इसमें यही है बस। हाँ? है कि बारबी कैन हमको तो नहीं पसंद, इसलिए हम पिएगा भी नहीं। यहाँ से हमने कोई 2-4 चीज़ें ले ली हैं, बस अभी हम निकल रहे हैं मुल्तान के लिए। खाने पीने के लिए कुछ लिया, अभी कुछ खाएंगे और निकलेंगे। अभी हम पहुंच गए हैं वसीब होटल मुल्तान। अभी बस नमाज पढ़नी थी यहाँ पे, तो जमात तो होगी हुई है यहाँ पे, नमाज हुई। हम लेट पहुँचे हैं, अभी बस वजू करके नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ के कुछ खाएँ पिएंगे कुछ। 20 minutes later. अभी हमने पढ़ी है नमाज, कन्फर्म जन्नती है। यहाँ पे मस्जिद में नमाज पढ़ ली है, अभी बस कुछ खाएँ पिएंगे, चाय शाय भी नहीं है, तो अभी भी बस वजू वगैरह कर रहा है, नमाज पढ़नी है। सिस्टम में भी गाड़ियाँ पढ़नी है, नमाज पढ़ के फिर हम चलेंगे, चाय ऑर्डर करते हैं, कुछ खाएंगे पिएंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे, सीधा फैसला हमारा।
A few moments later. हमारी आ गई है ये देखें चाय और सेब की, ठीक है, और ये सैंडविच है, ये सैंडविच है। अब हम अपना सैंडविच खाएंगे और फिर चलेंगे आगे। पेट्रोल टैंक हो गया है दोबारा से फिल, और बस अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से मुल्तान से। चलो पेट्रोल टैंक फुल हो गया, ये वसेब है, वसेब से हम निकल रहे हैं बस। भाई जान अभी बस रेडी तैयारी, ये हम निकल रहे हैं वापसी के लिए, सॉरी वापसी नहीं, शाबाश बेटा, फैसलाबाद के लिए। हम फैसलाबाद के लिए निकल रहे हैं शोरकोट सर्विस एरिया से। जान अभी हम पहुंच गए हैं इस साइयां वाला सर्विस एरिया, अभी बस नमाज पढ़ेंगे। नमाज पढ़ के यार कार्ड नहीं मैंने, मैं एटीएम से पैसे तो लवा, अभी एटीएम से पैसे निकलवाते हैं और नमाज पढ़ेंगे फिर यहां से निकलेंगे आगे। ये साइयां वाला इंटरचेंज सर्विस एरिया, सॉरी। A few inches later. तो भाई लोग नमाज समाज पढ़ ली है, अब हम निकल रहे हैं इस्लामाबाद के लिए। हाँ हाँ जी चलिए टी कॉफी, हाँ पैसे कर लो एक मिनट। चाय बना रहा है और मैं पीऊँगा कड़क चाय कैंडल वाली, ये लटकी हुई है कैंडल, और एक कार्ड विद कॉफी, कॉफी भी ऐड होगी इसके अंदर। A few inches later. ये कैंडल वाली चाय बन रही है, एक गोली डालोगे सिर्फ, हाँ बस। चाय शाय चल रही है, नमाज समाज हो गई है, अभी ये सीन्स हैं यहाँ के। सीलर कैफ़े भी है यहाँ पे, ये है कोको M4 नॉर्थ, ठीक है। बस अभी हम चाय ख़त्म करेंगे और फिर चलेंगे इस्लामाबाद के लिए, निको भी आ गई है। Two hours later. जी तो भाई लोग अभी हम पहुँचे हैं कलर कार सर्विस एरिया, अंधेरा है इसलिए मैं आपको पहाड़ तो दिखा नहीं सकता। तो बस अभी वॉशरूम वगैरह गया था, तो मेरे साथ एक फ्रेंड, क्या बोला तूने, क्या कहते हैं, ट्रेजेडी हो गई, तो हंसना नहीं है आप लोगों ने ना, तो पहले प्रॉमिस करें आप हंसेंगे नहीं। हुआ यूं कि मैं वॉशरूम गया तो चला तो गया अंदर, तो बाद में मशवरा दूंगा पानी चेक करके बैठना, अगर मोटरवेज पे किसी भी वॉशरूम में जाना है तो पानी चेक करके बैठना हाईवेज पे ज़रूर। मैंने नहीं किया, अब आगे आप खुद समझदार हैं, ठीक है। अभी बस निकल रहे हैं अभी इस्लामाबाद के लिए, तो पहुंच जाएंगे तकरीबन एक घंटा लगेगा, और एक घंटे में हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे, फिर बताऊंगा मैं हम क्यों आए हैं यहाँ पे इस्लामाबाद आज। मिलते हैं फिर। हम पहुंच गए हैं इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद में हम देखते हैं बर्गर फेस्ट या फिर हाउस ऑफ शवारमा, कहाँ जाना है अभी डिसाइड होगा तो फिर हम जाएंगे। तो भाई लोग हमने किया है बूम बूम शाहजी से चाचा बारबेक्यू एंड पराठा रोल, हमने पराठे रोल ऑर्डर किए हैं चार इधर से, और बहुत ही ज़बरदस्त माहौल है इधर। ये इस्लामाबाद का है F10 मरकज़, यहाँ से मैं हमने ऑर्डर किया, आएगा तो फिर खा के आपको बताएंगे। One hour later. जी तो भाई लोग हम पहुँच गए हैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट, अभी हम किसी को पिक करने आए हैं, मैं अभी आपको दिखाता हूँ हम किस को पिक करने हैं, वो आ जाए बस अभी। तो ये नीचे भी पार्किंग है, तो अभी बस हम जा रहे हैं अराइवल्स की तरफ, अराइवल्स से अभी उसको लेते हैं, जिसको लेना है वो पहले दिखाऊंगा मैं, वो आ जाए पहले, तो फिर मैं बात करता हूँ। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यहाँ से आना है, यहाँ से भाई आएंगे अभी, आपको दिखाऊंगा कौन से भाई हैं तो आपको पता चल जाएगा, अभी तक आए नहीं है, फ्लाइट लैंड कर गई है।
भाई आ गए हैं, ये पीछे मेरे साथ बिलाल भाई मेरे भाई हैं, ये दुबई से अभी फ्लाइट लैंड की है इनकी और अभी हम जा रहे हैं चकवाल। बस हम आ गए एयरपोर्ट से बाहर, ये रहा एयरपोर्ट और अभी बस हम निकल रहे हैं चकवाल की तरफ, तो तकरीबन एक घंटे डेढ़ घंटे तक हम पहुंच जाएंगे, तो बस फिर जाके सोएंगे, बहुत थक गया हूँ। तो ये रहा एयरपोर्ट, बस हम निकल रहे हैं अब यहाँ से घर के लिए। वो सामने बेबो खड़ी है जी। तो भाई जान अभी बस वॉशरूम वगैरह गए हैं, आ जाएं तो फिर हम चल रहे हैं घर। और रात चकवाल में आई थिंक स्टे करेंगे, फिर सुबह इंशाल्लाह निकलेंगे वापसी के लिए। तो आज तक का व्लॉग सिर्फ इतना ही था, बाकी इसका सेकंड पार्ट भी होगा, वो हम कल दारी से बात है, कल देखेंगे उसको कल। तो अभी इसको कंटिन्यू रखना है, कंटिन्यू ये मैं बाकी चीज़ें जो हैं वो आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगा। इस व्लॉग के दो पार्ट होंगे, ठीक है, देखेंगे।